तो भाई आप फैसला कर चुके हैं कि आप पढ़ने के लिए जर्मनी आ रहे हैं और अब आपका नेक्स्ट स्टेप है ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट लिस्ट करना बहुत से स्टूडेंट्स को इसी स्टेप पे काफ़ी चैलेंजेस का सामना होता है रिसेंटली मुझे बहुत सी क्यूरीज ऐसी आई हैं कि हसीब भाई मुझे यूनिवर्सिटीज़ ही नहीं मिल रही जर्मनी में पढ़ने के लिए या मुझे तीन चार सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ मिल रही हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड तो मैंने सोचा कि एक कम्प्लीट वीडियो पर बनाते हैं शुरू से आखिर तक कि जिस वीडियो को देखने के बाद आपको हेल्प हो जाएगी कि किस तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ शॉट कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्ट करते हुए क्योंकि ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को आप शॉट करेंगे तो ऑब्वियसली फिर ही आप ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे और आपके जर्मनी में के चांसेस तभी बढ़ेंगे आज जो हम बात करेंगे हम डाट डॉट ई की वेबसाइट्स के अलावा जो और वेबसाइट्स हैं जिनको हम यूज़ करके अपनी यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं हम उस पर बात करेंगे और उसके अलावा किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए जब आप यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं हम उसकी बात करेंगे तो इस वीडियो में मेरे साथ रहिएगा बाई द एंड ऑफ दिस वीडियो होपफुली आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स मिल जाएंगे सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो अच्छा जब आप यूनिवर्सिटीज़ शॉट लिस्ट कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना है जो कि अभी हम डिस्कस करते हैं उसके बाद मैं आपको लैपटॉप पे लेकर चलता हूँ और सारा ये प्रोसेस हम प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे सबसे पहली चीज़ जिसका आपको ख्याल रखना है वो ये कि आपकी यूनिवर्सिटी किस टाइप की है जो यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं क्या वो पब्लिक है या प्राइवेट है जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जर्मनी में वो ट्यूशन फ़्री हैं उनकी कोई ट्यूशन फ़ीस नहीं है लेकिन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी भारी फ़ीस हैं तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है आप जर्मनी में फ़्री में पढ़ना चाह रहे हैं या फीस दे के पढ़ना चाह रहे हैं दूसरी चीज़ जो आपको देखनी चाहिए वो ये कि आपका कोर्स जो आप शॉर्ट लिस्ट करने लगे हो वो कितने क्रेडिट्स का है याद रखिएगा जर्मनी में दो तरह के मास्टर्स होते हैं एक नाइन्टी क्रेडिट्स का और एक वन ट्वेंटी क्रेडिट्स का अगर आप मास्टर्स के बाद जर्मनी से पीएचडी करना चाहेंगे तो आपको जो मास्टर्स करना है वो 120 क्रेडिट्स वाला करना है तीसरी चीज़ जो है वो ये ख्याल रखिएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो किस सेमेस्टर में एडमिशन ओपन करती है दो सेमेस्टर्स होते हैं जर्मनी में समर सेमेस्टर और विंटर सेमेस्टर विंटर सेमेस्टर में तकरीबन हर यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन ओपन करती है लेकिन समर सेमेस्टर में कुछ यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन ओपन करती हैं तो इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा चौथी चीज़ आप ये देखिएगा कि कोर्स जो भी आप शॉट लिस्ट करने जा रहे हो इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं आइल्स कितने बैंड्स मांग रहा है कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो 5.5 पे भी दे देती हैं कुछ को सिक्स चाहिए होता है कुछ को सेवन चाहिए होता है आयल्स देखिएगा इसके अलावा जी आर ई जी मैट देखिएगा कि क्या यूनिवर्सिटी ये मांग तो नहीं रही इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया होता है कि आपने बैचलर्स में कुछ कोर्सेज़ ज़रूर पढ़े हुए होने चाहिए तो ये रिक्वायरमेंट सेक्शन जो है ये आप गौर से पढ़िएगा और ये आप हिसाब लगाइएगा कि आप तमाम रिक्वायरमेंट्स पर पूरा उतर रहे हैं या नहीं पूरा उतर रहे अच्छा इसके अलावा आपने यूनिवर्सिटी की डेडलाइंस देखनी है कि कौन सी तारीख़ आखिरी है उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने डेड मिस कर दी फिर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे उसके अलावा आप देखिएगा किस सिटी में है यूनिवर्सिटी मैं ऑलवेज़ रिकमेंड ये करता हूँ कि आप किसी बड़े सिटी में आएँ या कम से कम ऐसे सिटी में आएँ जिससे कोई बड़ा सिटी करीब हो यहाँ पे ट्रेन्स का निज़ाम काफ़ी अच्छा है Uh, अगर आप किसी छोटे सिटी में आते हो लेकिन उसके पास कोई बड़ा सिटी है तो उसमें क्या होता है कि आप 40-45 मिनट की ट्रेन ले करके एक बड़े सिटी में जाके जॉब कर सकते हो तो सिटी ज़रूर देखिएगा लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कुछ कोर्सेज़ होते हैं उसमें आपके पास वैसे भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते कम यूनिवर्सिटीज़ ही ऑफ़र कर रही होती हैं वो कोर्सेज़ तो उसमें अगर आपको फिर किसी बड़े सिटी में नहीं भी मिल रही कोई यूनिवर्सिटी तो खैर है आप लेकिन प्रायोरिटी आप ये रखिएगा अगर बड़ा सिटी कोई मिल रहा है तो उसको ज़रूर आप अपने टॉप ऑफ द लिस्ट रखिएगा आखिरी चीज़ जो आपको देखनी है वो ये कि ये यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन किस तरह से एक्सेप्ट कर रही है कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि डायरेक्ट अपनी वेबसाइट पर उनका पोर्टल होता है वो कहते हैं कि हमारी वेबसाइट पर आकर अप्लाई करें कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो कहती हैं कि आप असिस्ट के ज़रिए अप्लाई करें अब असिस्ट क्या है इस पर एक सेपरेट कम्प्लीट वीडियो मैंने बनाई हुई है आप वो जा करके वीडियो देख सकते हैं उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आप यूनिवर्सिस्ट पर अकाउंट किस तरह बना सकते हैं और यूनिवर्सिट के थ्रू किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किस तरह कर सकते हैं सो आई वुड रियली रिकमेंड कि आप लोग ये वीडियो देखें और जब आपको पता चल जाएगा कि ये यूनिवर्सिटी किस तरह से अपलिकेशनस को हैंडल कर रही है तो उसके बाद आप फिर उस प्रोसेस के थ्रू उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं तो ये वो सारी चीज़ें थी जिनका आपको ख्याल रखना है किसी भी यूनिवर्सिटी को शॉर्ट करते हुए चलिए अब लैपटॉप पे चलते हैं और हम इन चीज़ों को प्रैक्टिकली करके देखते हैं अच्छा तो भाई इसी वीडियो को बनाने के दौरान मुझे दो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ही मिले हैं जो कि अभी रिसेंटली ही जर्मनी आए हैं फ्रैंकफर्ट में 10-12 दिन हुए हैं आपको इनसे मिलाता हूँ और इनसे एक दो सवाल करते हैं ताकि आप लोगों की मोटिवेशन थोड़ी और बढ़े वालेकुम वालेकाम आपका नाम क्या है मुनीबुररमान और आप हाशिम जफर पहले तो मुझे ये बताइए अपना प्रोसेस आपका सारा कैसा रहा आपने खुद ही किया या किसी कंसल्टेंट के थ्रू कर में प्रोसेस हमने सारा खुद ही किया तो काफी स्मूथ रहा क्योंकि हमारा वो फास्ट ट्रैक था तो अपॉइंटमेंट भी आ गई इंटरव्यू भी हो गया और हम इन अब यहाँ पहुंच गए अच्छा। हम दोनों हैं भी सेमी यूनिवर्सिटी के एल एस सी के अच्छा। और से किया था अच्छा मैं ये जो वीडियो है तो अब ये बताएं आपने तो उनकी यूनिवर्सिटी शॉट लिस्ट किस तरह से की थी और hmm. कितनी शॉर्ट शॉर्टलिस्ट की थी अच्छा दो वेबसाइट थी एक माई जर्मन यूनिवर्सिटी है और एक hmm. डार्ट है कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी थी जो डार्ट पर नहीं थी hmm. वो मुझे माई जर्मन पे मिली थी तो बहुत ही सिंपल है आप सिंपल फिल्टर्स अप्लाई कर दें जो डिग्री आप करना चाहते हैं ट्यूशन फी को बेशक जीरो रख दें hmm. और लिस्ट आ जाती इट्स वेरी सिंपल मैं कहूँगा मुझे किसी और कंट्री से इसका प्रोसेस सिंपल लगा था और एक एक्सर शीट बना लें बस मैं बस यही कहूँगा कि कंसल्टेंट से आपने होशियार रहने कंसल्टेंट कभी आपको जर्मनी नहीं लेके आ सकता क्योंकि जबकि ट्यूशन फी नहीं है तो उनको कोई कमीशन नहीं बचता हम दोनों और हसीब भाई और बहुत सारे लोग के बगैर ही आए हैं जरूरत नहीं है की अगर आप अपना कोई टाइम से अगर आप डिसाइड कर आपने जर्मनी आना है तो ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है आप सब कुछ देखो आपको सब मिल जाएगा प्रोग्राम्स भी मिल जाएंगे पता भी चल जाएगा क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है प्री रेक वगैरह सब पता चल जाएगा अब वहाँ से अपना प्रोसेस खुद कर सकते हो सब कुछ गिवन है साइड पर थैंक यू सो मच अच्छा लगा आपसे एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आपकी डिग्री वगैरह और सारी चीज़ें आसानी से हो जाए तो ये दो भाई मुझे मिले इसके अलावा मैं आज जुम्मा था तो मैं जुम्मा पढ़ने जा रहा था मुझे पाँच से छः स्टूडेंट्स और मिले जो कि अभी रिसेंटली आए हैं और सब ने अपना प्रोसेस खुद ही किया है तो ये एक और मोटिवेशन है आप लोगों के लिए कि किसी भी कंसल्टेंट्स के चक्कर में ना पड़ें आप लोग यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस वगैरह हैं दूसरे यूटूबर्स की भी आप किसी की भी वीडियो देखें और अपना प्रोसेस करें और आप जर्मनी आ सकते हो आराम से तो भाई मैंने लैपटॉप ऑन कर लिया है अब हम प्रैक्टिकली यूनिवर्सिटीज़ को ढूंढते हैं हम सपोज़ कर लेते हैं कि हम मार्केटिंग में एडमिशन लेना चाह रहे हैं मास्टर्स इन मार्केटिंग रिलेटेड फील्ड में तो कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि मैं अभी शेयर करूंगा सबसे पहले हम अपनी मेन वेबसाइट पे जाते हैं जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वेबसाइट uh, का नाम है डार्ट डॉट डी एक चीज़ का ख्याल रखिएगा डार्ट डॉट डी के बाद अगर आपने यहाँ पर नॉर्मली ये अगर डी ये लिखा हुआ आएगा तो ये वेबसाइट जर्मन में आ जाएगी या तो आप इसको गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में या आप अगर इसके एंड में यहाँ पर ई एन लिखेंगे तो ये वेबसाइट इंग्लिश में आ जाएगी ठीक है अब इस वेबसाइट को यूज़ करना इंतहाई आसान है कोई मुश्किल वाली बात नहीं है यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं अगर आप स्कॉलरशिप देखना चाह रहे हैं तो आप पहले दो ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करें करंटली हम इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में जा रहे हैं अच्छा यहाँ पे कुछ बेसिक से फ़िल्टर्स हैं कोर्स का टाइप अगर आप बैचलर्स की डिग्री ढूंढेंगे तो ऑब्वियसली बैचलर्स अब हम मास्टर्स ढूंढ रहे हैं हमने मास्टर्स सेलेक्ट किया कोर्स लैंग्वेज हम कह रहे हैं हमें इंग्लिश में कोर्स चाहिए फ़ील्ड ऑफ स्टडी नॉर्मली मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ यहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो मैं सर्च कर लेता हूँ अच्छा वो सारी बातें सारे पॉइंट्स याद करें जो कि हमने अभी वीडियो में अपनी बात की है कि कौन कौन सी चीज़ें आपने एक यूनिवर्सिटी में देखनी है ठीक है सबसे पहले आपने देखनी है कि पब्लिक यूनिवर्सिटी है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऐसी कोई फ़ीस है या नहीं है तो आपको यहाँ से भी देख के पता चल जाएगा ट्यूशन फ़ीस पर सेमेस्टर नन लिखा हुआ है अच्छा कुछ यूनिवर्सिटीज़ पे आपको यहाँ पर एक्चुअल में ट्यूशन फ़ीस लिखी भी आ रही होगी फाइव थाउजेंड एट थाउजेंड सिक्स थाउजेंड तो ये है। अब ये है. भी कर सकते सकते हो के आप यहां से जा कर के का फिल्टर लगा सकते हैं। 500 पर का हम लगा लगा हैं. हैं. हम देते वेरी रीजनेबल अच्छा मार्केटिंग अभी हमने अपना फिल्टर नहीं लगाया तो हम यहाँ पे मार्केटिंग भी लिख देते हैं तो हमने मार्केटिंग लिखा अब हमारे पास सारी मार्केटिंग की यूनिवर्सिटीज आ गई जो कि फ्री हैं या फाइव हंड्रेड यूरोज पर सेमेस्टर है और हम इसमें से कोई भी एक यूनिवर्सिटी खोल करके अभी एक प्रैक्टिकल के तौर पे देख लेते हैं बाकी आपने वही सेम प्रोसेस आपने दोहराते रहने हैं ठीक है सो लेट्स सपोज हम जाते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में मुंस्टर वाली यूनिवर्सिटी खोल देते हैं ठीक है अच्छा अब इस यूनिवर्सिटी में हमने अभी सारी डिटेल इस यूनिवर्सिटी की यहाँ पर लिखी हुई है इसकी लैंग्वेज इंग्लिश है ठीक है चार सेमेस्टर हैं इसमें विंटर और समर दोनों सेमेस्टर में ये ऑफ़र कर रही हैं ठीक है और यहाँ पे डेडलाइंस भी लिखी हुई हैं अगर तो आप अभी समर सेमेस्टर में अप्लाई करेंगे तो अक्टूबर और नवंबर के बीच बीच में आपने अप्लाई कर देना नवंबर ख़त्म होने से पहले पहले आपने इसमें अप्लाई कर देना ट्यूशन फ़ीस इसकी कोई भी नहीं है और ये कोर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आप पढ़ सकते हैं अब कोर्स डिटेल्स में मैंने लिखा हुआ है कि जो कोर्स ये पढ़ाने जा रहे हैं वो कितने ई सी का है और क्या सारी चीज़ें वो याद रखें हमने क्रेडिट्स की बात की थी वो क्रेडिट्स बेसिकली ई सी ही हैं तो वो भी आपने यहाँ पर देख लेना है ठीक है अच्छा कॉस्ट एंड फंडिंग में आ गए तो यहाँ पर बोल रहे हैं कोई ट्यूशन फीस नहीं है लेकिन आपको 300 यूरो पर सेमेस्टर देने होंगे जो कि स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन होती है ये हर कोई देता है अच्छा यहाँ पर इनको कॉस्ट ऑफ लिविंग बताई हुई है अगर आप मूनस्टर सिटी में रहेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है 800 यूरो पर मंथ तक जा सकता है आपका जो रिहाइश का ख़र्चा होता है लेकिन ये वेरी करता है ये ज़रूरी नहीं है इन्होंने यहाँ पे सही लिखा हो ये हर बंदे पे वेरी करता है कि वो कितना ख़र्च करना चाहे अच्छा रिक्वायरमेंट वाले टैब में हम आ जाते हैं अब ये सारी रिक्वायरमेंट इन्होंने लिखी हुई है जो जो इनको चाहिए इन्होंने जर्मन ग्रेड इनको मिनिमम टू पॉइंट थ्री चाहिए मैं देखें जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ हो सकता है कुछ चीज़ मैं गलत भी पढ़ दूँ आप लोगों ने जब देखना है तो आपने आराम से तसल्ली से हर चीज़ को पढ़ना है लैंग्वेज स्किल्स लिखी हुई हैं सर्टिफाइड इन इंग्लिश बी टू लेवल स्किल्स ठीक है skills, अब यहाँ पर कहीं पे बी टू लिखा हो तो बिल्कुल सिंपल है आपने गूगल पे जाके सर सर्च कर लेना कि बी टू लेवल क्या होता है इंग्लिश बी टू लेवल आयल्स बैंड इस तरह करके कुछ भी लिखेंगे तो वो आपको बता देंगे कि आयल्स के बी टू लेवल जो है फाइव पॉइंट फाइव से लेके सिक्स पॉइंट फाइव अगर आपका है तो आप बी टू लेवल में आते हैं ठीक है थीके? तो अगर आपका मतलब 5.5 बैंड भी है तो आपका काम चल जाएगा तो इस तरह करके आपने ये चेक करना है अब ये बता रहे हैं कि एप्लीकेशन अब याद करें हमने एप्लीकेशन की बात भी की थी कि आपने ये भी देखना है कि यूनिवर्सिटी किस तरह एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रही है यूनिवर्सिस्ट के थ्रू या डायरेक्ट उनके अपने पोर्टल पर तो ये जो यूनिवर्सिटी है इन्होंने डायरेक्ट बताया हुआ है कि इस लिंक पर जाएं और यहाँ पर जा कर के आप अप्लाई करें ओबियसली यहाँ पे कहीं ना कहीं सर कोई इनका कोई पोर्टल होगा आ, या इन्होंने यहाँ पे बाकी डिटेल्स बताई होंगी कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है ठीक है तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जाहिर सी बात है अब माइंड में नहीं रहेगी इतना कुछ कैसे माइंड में रखें तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ एक एक्सेल की शीट बना लेता हूँ इस तरह की अब इसमें आपने सारे कोर्स का नाम जो भी अभी हमने देखा कोर्स का नाम फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोर्स का नाम था ठीक है ये मैंने कोर्स का नाम यहाँ पर डाल दिया यूनिवर्सिटी नाम यूनिवर्सिटी नेम भी यहीं पे नीचे ही आ रहा था ये यूनिवर्सिटी का नाम हो गया तो ये यूनिवर्सिटी नाम डाल दिया इस तरह सिटी इसकी डेड के अगर विंटर में है तो क्या डेडलाइन है समर है तो क्या डेडलाइन है कितने ग्रेड ये मांग रही है आपको अपने ग्रेड पता होने चाहिए जर्मन ग्रेड आयल्स की क्या रिक्वायरमेंट है ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ और यहाँ पर बेस बेसिकली मैं इसके डार्ट का लिंक भी डाल देता हूँ कि अगर कल को मुझे दोबारा ये ओपन करके चेक करना हो तो इस लिंक पे मैं जाऊँ सिंपल इस तरह से आपने शॉर्टलिस्ट कर लेनी है यूनिवर्सिटी ये, ये सिंपल सा एक प्रोसेस है लेकिन मसला प्रोसेस में नहीं आता मसला ये होता है कि यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा मिल ही नहीं रही होती जैसे फॉर एक्ज़ाम्पल ये डार्ट डॉट डी में जब हमने ये सर्च किया तो हमें सिर्फ सोलह यूनिवर्सिटीज़ मिली इसमें भी जब हम मजीद देखेंगे बाकी सारी चीज़ें हो सकता है हमारे काम की सिर्फ दो तीन यूनिवर्सिटीज़ ही निकलें तो अगर आपको डार्ट डॉट डी पे अगर नहीं मिली यूनिवर्सिटीज़ तो दूसरी वेबसाइट है माई जर्मन यूनिवर्सिटी डॉट कॉम ये वो दो लड़कों ने हमें वीडियो में भी बताया था तो ये देख लेते हैं इसमें भी सिंपल यही है चेकस हैं मास्टर्स आप कह रहे हो आप कहते हो कि मार्केटिंग ठीक है एम बी एन मार्केटिंग मार्केटिंग दोनों हम कर लेते हैं ये हमारे पास आ गई अब ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास आ गई फाइनेंसिस पे जाते हैं हम अप टू फिफ़्टीन हंड्रेड ये हम कर देते हैं नो ट्यूशन फ़ीस ठीक है नो ट्यूशन फ़ीस हो गई हमारी आ, अच्छा यहाँ पे आप मज़ीद फ़िल्टर्स भी लगा सकते हैं अपने हिसाब से आयल्स और समथिंग लाइक दैट अच्छा अब हमने ये सिंपल ये फ़िल्टर लगा लिया अब हमें यूनिवर्सिटीज़ दिखा रहे हैं कि भाई ये ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि फ़्री हैं ठीक है और कौन से सिटी में हैं फ़ॉर एग्ज़ाम्पल पहली ही यूनिवर्सिटी को हम खोल लेते हैं अब ये जो यूनिवर्सिटी थी अच्छा अब ये मज़े की चीज़ देखें कि इस वेबसाइट ने जो पहली ही यूनिवर्सिटी बताई है जिसका कोर्स है इंटरनेशनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ये मुझे यहाँ पर डॉट डॉट डी ई में ये वाली यूनिवर्सिटी और ये वाला कोर्स नहीं दिखा हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक ठीक है मैंने जिस जल्दी जल्दी देखा है तो मुझे लग रहा है कि ये कोर्स डॉट वेबसाइट ने नहीं बताया तो दैट मीन्स कि ये वेबसाइट भी फिर काम की है जो मज़ीद हमें यूनिवर्सिटीज़ निकाल के दे रही है अच्छा डार्ट डॉट डी जो है ना ये ऑफिशियल वेबसाइट है मतलब उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है उसके अलावा और जितनी भी वेबसाइट्स होंगी तो हो सकता है कि वो कोई थर्ड पार्टी उसको चला रही हो तो आप उस पर बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते तो बेसिकली हमें क्या करना है कि हम डाट डॉट डी के अलावा किसी भी और वेबसाइट से जो भी कोर्स हम देखेंगे हम सिर्फ कोर्स ढूंढेंगे वहाँ से उसके बाद हमने उस कोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के भी सारी डिटेल्स ले लेनी है कि हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स जो हैं वो अपडेट ना हो लेकिन मैं क्या कर सकता उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जा सकता हूँ इस जो जो इन्फॉर्मेशन है इसको वेरीफाई करवा सकता हूँ इसमें इन्होंने सारा बताया हुआ समर सेमेस्टर की क्या डेडलाइन है विंटर की क्या डेडलाइन है अगर आप मज़ीद देखेंगे तो रिक्वायरमेंट का भी टैब है तो, तो ये भी एक अच्छी वेबसाइट है माई जर्मन यूनिवर्सिटी आप इसको भी यूज़ करके अप, न, अपनी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं मज़ीद ढूंढ सकते हैं अच्छा दो वेबसाइट्स तो ये हो गई डार्ट डॉट ई और माई जर्मन यूनिवर्सिटी उसके बाद तीसरी वेबसाइट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये बहुत मज़े की वेबसाइट है स्टडी योडा के नाम से आ, इसमें बेसिकली आपका अकाउंट बन जाता है आप अपनी सर मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखाता हूँ मैं फ़ौरन से इसको लॉगिन कर लूँ अपना अकाउंट और मैं बताता हूँ कितनी मजे की ये वेबसाइट है अच्छा इस वेबसाइट का एक अपना डैशबोर्ड आपको दिख जाएगा कि आपने कितनी यूनिवर्सिटीज़ में इंटरेस्ट लिया है आप बेसिकली पूरी एप्लीकेशन अपनी इससे ट्रैक कर सकते हैं फेवरेट्स यूनिवर्सिटी मैंने पहले से ही ऑलरेडी थोड़ा सर्च कर रहा था इस वेबसाइट को एक्सप्लोर कर रहा था तो मैंने मार्केटिंग सर्च किया था देखें इसने इंटरनेशनल मार्केटिंग में मुझे काफ़ी इकनॉमिक्स में और मार्केटिंग में इसने मुझे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ बता के दी अच्छा ये वेबसाइट क्या करती है ये आपकी जो सर्चिज़ है उसको सेव भी करती है आप अपनी सर्चेज सेव कर सकते हैं ठीक है मैंने अभी कोई नहीं की हुई लेकिन मैंने फेवरेट्स किए हुए थे तो वो यहाँ हो रहा है तो इस तरह आप इस वेबसाइट को भी यूज़ करके तो हमारी तीन वेबसाइट्स होंगे डाट डॉट डी ई माई जर्मन यूनिवर्सिटी स्टडी ओडा और चौथी जो वेबसाइट मैं आपके साथ, आप साथ शेयर करना चाह रहा हूँ ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है जर्मन गवर्नमेंट की स्टडी इन जर्मनी के नाम से इसके अंदर जब जाएंगे थोड़ा सा तो ये बोलेंगे फाइंड अ कोर्स ऑफ स्टडी आप जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पर आप मजीद जा सकते हैं चेक आउट हायर एजुकेशन कैंपस जब आप इस लिंक पे आ जाएंगे बेसिकली यहाँ पर अब वही सारी चीज़ें अब प्रोग्राम आप बोलते हो ग्रेजुएट कोर्स ऑफ स्टडी आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं लेट्स सपोज हम इकोनॉमिक्स कहते हैं हम कहते हैं ओके ठीक है और इस तरह टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन या जो भी है आप डिफरेंट यहाँ पर कोर्स लैंग्वेज एक लगा देते हैं इंग्लिश और हम ओके कह देते हैं अब इसने हमें सारी आ, हमें बता दी कि ये ये यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें आप मजीद देख सकते हैं ठीक तो बेसिकली इस तरह से आपने ये सारी वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करते रहना है अपने कोर्सेज़ ढूंढते रहना है अपनी सिम्पल है बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है लेकिन ये चार वेबसाइट्स में आपके साथ शेयर करना चाहता था जो कि आपको होपफुल हेल्प देंगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को शॉट कर सकते हैं एट द एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड सी यू इन जर्मनी